इन वास्ते ऋषभदेव भगवान आपरे पुत्रों ने कहो, पुत्रों जीवन की सार्थकता समझो, एड़ो ज्ञान लग्यो वैराग्यरी बात। सज्जनों 100 बेटा में 181 बेटा कर्मकांडी हो गया, 9 योगेश्वर बन गया, विद्वान बनिया। वे सबसे बड़ो बेटो है भरत। ऋषभदेव जी राज संभालियो, पछे भरत जी ने राजगद्दी सौंप दी, खुद वन में चले गया। और सज्जनों भरत जी बहुत बढ़िया राज संभालियो, लेकिन एक राणे मन में भी वैराग्य हो गयो। आपरे पुत्र सुमति ने राजगद्दी सौंपी, खुद वन में आ गया। गंडकी नामरी नदी के किनारे पुलह नामरो आश्रम बनायो है और बठे जो को रेवा लग गया। भगवान को भजन करे, सब कुछ तो छोड़ दियो है, विरक्ति आ गई मन में। लेकिन एक दिन की बात, स्नान कर गंडकी नदी में, सूर्य भगवान ने अर्घ दे दिया, जल चढ़ा लिया। बी टाइम एक हिरणी पानी पीने वास्ते आई, बा गर्भवती ही। जो ही पानी पीवन लगी सज्जनों, तो उन समय वन में शेर दहाड़ने की आवाज आई। हिरणी डर गई, सोचा नदी थोड़ी सी चौड़ी है, छलांग लगाऊ ली उन पार चली जाऊं ली। बात छलांग लगाई, लेकिन बीच नदी में उन्हों बच्चों जन्म ले लियो। हिरणी पानी में गिर गई, उन्हों बच्चों भी पानी में गिर गयो। राज ऋषि भरत रे और देखती ही बोली, ऋषि भरत मैं तो मर रही हूं, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लेना, शावक को बचा लेना। हिरणी मर गई और हिरणी के बच्चा ने देखियो। राज ऋषि भरत दया आ गई, आश्रम में लेने आया, लकड़ी वकड़ी जलाई, अग्नि जलाई, उन तक कुछ गर्मी पहुंचाई, राहत पहुंचाई। ऋषि ने क्या किया, ये हित किया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अच्छा किया। परंतु वो सच्चो हित कद मानिस, तो जब उन हिरणी के बच्चे ने 10-5 दिन आपने आश्रम में रखता, वो बड़ो हो जाता, तो उन्हें पाछो ने विरादरी में भेजता था कि जाओ बेटा थे थारे में मारे, वो तो बढ़िया हो। लेकिन ऋषि भरत को उसमें ममता हो गई, फंस गए। उसको नलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते, एकदम उसी में ममता। और जो 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 ममता बढ़ी, त्यों त्यों भगवान के भजन की माला की संख्या कम हो गई। एक दिन ऋषि भरत ने याद आयो, भजन नहीं किया, थोड़ी साधना कर लेता हूं। बैठे भजन करने, उन्हीं समय सज्जनों हिरणी रो बच्चों आश्रम में खेल रियो कूद रियो। आपरे सामने सो आश्रम रे सामने सो हिरणा रो झुंड निकलियो। आपरे जोड़ा प्राणियों ने देखा खेल तो कूद, तो वो भी झुंड में मिल गयो, चले गयो। थोड़ी देर बाद ऋषि भरत की समाधि टूटी, हिरणी रे बच्चा ने नहीं देखी, तो बड़ी चिंता, वो कठे है कई किन हालत में वेला, ढूंढवा लग गया। आश्रम में नहीं, यज्ञशाला में नहीं, बगीचे में नहीं, बड़ी चिंता हुई, वो कहां चला गया। जरूरी चिंता कर रही सज्जनों, उन्हीं समय भरत जी अंतिम समय, अंतिम समय में न राम की याद, न कृष्ण की याद, कुछ नहीं, बस हिरणी के बच्चे की याद। वो कहां होगा, वो कैसा होगा। वन में चला गया, कोई हिंसक पशु खा न जाए, कोई इसे मार न दे। और जदोरी याद कर रही सज्जनों, भी समय अंतिम समय आ गयो। और शास्त्र कहवे अंतमति सो गति, अंत में जिठे मति वेला वठी जापरी गति हो जाए। जने कहवे अंतिम समय में मन राखनो भगवान में, संसार में नहीं परमात्मा में मन राखनो, ताकि भगवान मिले, भगवान रो धाम मिले। और परिवार में मन रहेगी तो परिवार रो सदस्य बनन भिड़नो पड़ेला, भटकनो पड़ेला। कई लोगों मन धन में रह जावे सज्जनों, तो सांप बनना पड़े। कपड़ों में रह गया तो रेशम का कीड़ा बनना ही पड़ता है, और परिवार में रह जाता है तो परिवार का कोई मेंबर बन के वापस आना पड़ता है। और आदमी बस 84 चक्कर में भटक तो ही रहे, होया करे एडो। जने कह दे कि मन भगवान में राखना, कई कई लोगारो मन रह जावे घर परिवार रह अंदर। आप देख जो कई बार एडो नोट करियो कि कोई वृद्ध व्यक्ति भी अगर परिवार में मृत्यु हो गई और उन्हें कुछ समय बाद में कोई बच्चे रो जन्म हुए उन घर में परिवार में, तो उन बच्चारी शक्ल लोग देखे और बच्चारी शक्ल लोग देखन के वे, अरे इन छोरारी शक्ल बिल्कुल अपने दादाजी रे जेड़ी है, जेड़ी है, दादाजी रे जेड़ी कोनी है, दादाजी खुदीज आया है। जीव रह गयो जन पछवाणो पड़ियो। कई कई लोगारो मन रह जावे पोता में, दोईता में, तो ही फसनो पड़े। बुढ़ी बुढ़ी डोकरिया ने कहवा, कत्ता में आओ कनी, बाप जी कत्ता में आओ नो मन घणो ही होवे, पण आऊ कई, मैं तो मारे पोता ने रख बहु ध्यान कोनी देवे, जने बाप जी मारो काल जो घणो बड़े, अरे मारे बिना ओई रहे कोनी, लो थे मर जाओ, जन की कर रही हाथ लेर जाओ, पण मन फंस जावे, ममता हो जाती है, बंधन हो जाता है। पण घणो परिवार भी सुख कोनी देवे, हो न पोता नियाल करे, न दोहिता नियाल करे। वेदांत की भाषा में बोल रहा हूं, डिटैचमेंट की भाषा बोल रहा हूं,
कि कोई न्याल नहीं करे। संत कहीं कहवे पोता देवेला तो बचे, इन वास्ते घणो जीव नहीं राखणो। संत कहीं कहो थारा पोता, थारा पोता देवेला बेटा बताओ बीरा सुन ले रे थारो हरि बिन दूजो कुण रे। थारा पोता थारा पोता देवेला बेटा धनरो अभिमान हो गए, तिजोरिया रे चाबिया रो भी अभिमान हो गए, कई कई बूढ़ी बूढ़ी डोकरिया खुद ही हमें हंबल नहीं सके तो चाबिया कहीं हंबाली, पर तो ही मोह छूटे कोनी वे मेन मेन चाबिया जकी है कंदोरा में बांधन राखी, घरे बुमा आई गई है हंबाले जड़ी है पर तो ही मोह कोनी छूटे, मोटी मोटी चाबियां कंदोरा में राखी, अगर किनी दीख जावे वा मोटी चाबी तो कहवे अरे माता जी इतनी मोटी चाबी आ कहनी है, ओ तने ठानी है बहुत खास चाबी है, आ तो बहुत खास है कहनी, अरे मारे तिजोरी दी चाबी, पण एन टाइम आवेला तो चाबियारा मालिक लोग हो जावे लार थे देखते ही रह जाओ। चाबी ने अपने मारवाड़ी में कहीं कहवे कुची, तो संत लिखियो थारी कुची, थारी कुची, थारी कुची पड़ी रंदा कुची बताओ बीरा सुनले सुनले थारो हरी बिन सुनले थारी कुची ओ थारी कुची पड़ी रंदा कुची बताओ बीरा सुनले थारो हरी बिन लोगों ने
धनरो अभिमान चाबियारो अभिमान पोतारो मोह और मैं कई की लोगों ने शरीरों भी अभिमान हुए मैं तो बचे मैं ही जहां बड़ो घमंड हो गए पर शरीर रो घमंड भी कई काम रो नहीं है। कभी कभी अगर तन का अभिमान हो जाए मैं बहुत बलिष्ठ हूं कि मैं ये मैं वो मैं पैसे वाला मैं पद वाला कि मैं अच्छा गोरा चिट्टा तो सज्जनों इतिहास को जरा देख लेना इस दुनिया से बड़े बड़े लोग रुखस्त हो गए या तो वे राख मुट्ठी भर रह गए या तो वे जमीन में दफन हो गए। कौन याद करता है उनके धन को उनके महल तक खंडहर बनकर के रह गए। सुल्तान जो मासूक थे सूने पड़े मरगट उनके शमशान तक उनके सूने हैं कोई मजार तक तो जाता नहीं। सुल्तान मासूक जो थे सूनह पड़े मरगट उनके और जहां चाहने वाले लाखों थे वहां अब रोने वाला कोई नहीं। ये भी दिन आता है अरे गणों शरीर रो घमंड हो जावे नहीं तो आज से 50 साल पहले जो पिक्चरें फिल्में जिन एक्टर्स और एक्ट्रेस के द्वारा हिट होती थी और उनकी वजह से ही वो फिल्म चलती थी वन देख लीजिए कि आज वही कहीं हालत है। वो उनका जमाना था वो उनका दौर था आज आले जड़ी हिम्मत नहीं है चेहरा माते झर्रियां पड़ी है। विश्व सुंदरियां बनने वालों की भी हालत ये है सज्जनों तो हम क्या किस बात का घमंड करें अपने शरीर का। लोग बुढ़ापा ने देखे लोग बूढ़िया ने देखे तो हंसन लाग जावे कई छोरा जवानी रे अक्कड़ में जानी मजाक उड़ावा लाग जावे परंतु वृद्ध मजाक उड़ाने लायक नहीं है। वृद्ध तो हमारे आदर्श हैं वो उनसे सीख लेनी चाहिए। भैया ठीक रहे वो तो ठीक है नहीं तो एक दिन हालत अपनी भी बढ़न वाली है। वृद्ध लोग भी तो कितनी सीख देते हैं। और सज्जनों जवानी में जो ठीक रह गया बुढ़ापे में भी वो चमकता है और नहीं तो बर्बाद हो गए अगर भोगों में तो बुढ़ापा भी आएगा नहीं। बुढ़ापा भी नहीं आता और पहले ही टिकट कट जाता है तो काय का घमंड करना जी शरीर का भी। लोगों ने कोट गणो गोरो मनो कोट गणो बाया ने तो गणो ही कोई भी नई क्रीम आवे कोई नई कंपनी कोई नई चीज नयो प्रोडक्ट अगर कॉस्मेटिक का निकाला है वो अगले दिन घर में आ जाता है। बाथरूम बढ़िया पड़िया है हजारों तरह का शैंपू पड़िया है कितनी प्रकार की क्रीम पड़ी है कणे आथे तड़ी गणे आथे तड़ी बोरो प्लस पॉन्स आयुर फायर एंड लवली कितनी लगाई। पर एक बात पूछूं मैं आपने बाया ईमानदारी में बताई जो इतना सालों लगाओ इंच बड़ी फर्क पड़ियो क्यों हो ढोल तो भगवान दिया जका ही रही है ना घणो क्रीम रे चक्कर में नहीं पड़नो। एक हरियाणा रो आदमी हो वो टीवी माते एड देख लोग तो टीवी रे एड गेला योड़ा बैठा टीवी माते एड आवे नी एक छोरी आवे रे हाथ में ले क्रीम एर बतावे हाँ जी आप इस क्रीम को लगाइए 7 दिन में गोरे 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 हो जाएंगे 7 दिन में रिजल्ट देखो। उन छोरी ने को यूं 7 दिन में अगर इन क्रीम ने लगाणो गोरा वे तो उन्हें को पहला थारे दादा ने गोरो करन बता पछे मैं इस्तेमाल कर। हरियाणा रो आदमी टीवी माथे एड देखियो फेर एंड लवली रो अरे साहब आ तो क्रीम कहीं गोरी कर देने चमड़ी ने भाई दुकान माते गयो एक हाथे 30 क्रीम खरीदन लिया एर आयो घरे घरे यार लगाई किने बिरे घरे बड़ा में बंदुड़ी बैं
भैंस तो काली हो गई जे, बंदो भैंस रे क्रीम लगावनी चालू करी, एक क्रीम रो जो को वो आवे एक दिन में पूरो निवेड़ देवे भैंस रे, तो बचे आई तो मोटो गोड़ो नी इन वास्ते 30 क्रीमा ले रायो लगानी चालू करी, महीनो एक लगाई बंदो पूरी भैंस ने क्रीम हुई क्रीम रंग दी, लेकिन एक महीना बाद में फॉक्स लाइटा बिजी लगान भैंस ने हिनान करान देखी देखाने केड़ी कितनी गोरी हुई, आगे देखी तो एक इंच फर्क नहीं पड़ी, बात बैठी बैठी पचे एंग कचरा रे डब्बा में फेंकी के सब फर्जी। तो क्रीम लगानो कोई गोरा हुए, संतों ने कहा कि हम तन के काले होंगे तो चलेगा, मन हमारा उज्जवल होना चाहिए, धवल होना चाहिए, अंदर से चिंतन बढ़िया होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, बढ़िया चिंतन और भगवान का भजन, नहीं तो संतों ने क्या लिखा, तो गोरा भजन बिन खोरा, बताऊ बेरा सुन ले रे थारो हरि बिन तू जो कौन रे, तो गोरा भजन बिन खोरा, बताऊ बेरा सुन ले थारो हरि बिन तू जो कौन रे, भजी मुरली मनोहर नंद लाला, भज 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 मुरली मनोहर लाला। तो सज्जनों अंतमति सोगति, भरत जी रो मन अंतिम समय में हिरणी के बच्चा में रहो, इन वास्ते अगले जन्म में हिरण बनना पड़ो, पूर्व जन्म री विस्मृति नहीं हुई, सब कुछ याद है, मैं नरसे नारायण बनने वाला था लेकिन मैं नरसे पशु बन गया, एक सीढ़ी ऊपर जाना था एक सीढ़ी नीचे उतर गया, और अब कोई जीवन में अड़ो पाप में करूं कि मैंने फिर फसलो अलग बैठा रहता सूखी घास खाता, एक बार वन में आग लगी सब हिरण पशु वगैरह जो हा पक्षी उड़ गया दौड़ गया, लेकिन ऐ नहीं गया तो जलन भस्म हो गया आग में, परमात्मा की कृपा सो तीसरो जन्म यानो अंगिरस गौत्र ब्राह्मण रे गए हो, ब्राह्मण देवता रे दो पत्नियां ही, एक पत्नी से और कई बेटा बेटी होया, एक पत्नी से जो बेटा होया है भरत जी, आ संयोग देखो इन जन्म में भी यानो नाम भरत ही रखियो, पिताजी इनके बड़े विद्वान थे, मस्तिष्क की रेखा को देखकर के अनुमान लगाया कि ये बालक बड़ा विद्वान बनेगा, गायत्री मंत्र दिया बेटा याद करो, लेकिन भरत जी तो सीखे ही नहीं पढ़े ही नहीं, बोले पहले बहुत पढ़ा था इसलिए इस जन्म में फंसना पड़ा, इस बार पढ़ना ही नहीं है, भरत जी अलग बैठा बस कुछ मतलब नहीं, और बिल्कुल पागलों की तरह ही रहते थे, पिताजी सोचते थे मैं तो सोचता था बड़ा विद्वान बनेगा बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन ये तो मेरे घर में जड़ पैदा हो गया, तो प्यार से भरत जी का नाम हो गया जड़ भरत, सब लोग जड़ भरत नाम सुनाने पुकारे, पिताजी मंत्र अटाता मर गया, पत्नियां लारे सती हो गई, भाई लोग कहो जड़बर जी कहीं काम रहो थे, तो काम करो कौन जाओ खेती रुकवाली करो, खेत ने बेच दिया, पर जड़बर जी जान बैठ गया, चुड़िया आ रही है चुग्गा चुग रही, किन्हीं ने कोई मना की करता ही नहीं अपने मस्ती, भाई लोग आया स्थिति देखी तो कहे अरे क्या काम का तुम सब नुकसान कर दिया, एक खेतरी रुकवाली नहीं कर सके तो क्या निकल जा हमारे घर से निष्कासित कर दिया, तो जड़बर जी चले गया, मन में दुख नहीं हुआ कि घर वालों ने निकाल दिया, प्रसन्नता हुई उल्टी कि चलो अच्छा हुआ, ममता की डोर टूटी, आज एक बंधन था भगवान ने उस बंधन से भी मुक्त कर दिया, और बंधे से बंधा मिला तो छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए, आ गया वन में, लेकिन सज्जनों वन में भद्र करो मंदिर हो, भीड़ लोग बलि चढ़ावा वास्ते आने पकड़ लिया, लेन आया माता जी रे स्वामी, बलि देवारी तैयारी हो रही है, आने चोखो जीमण जिमायो, चोखा कपड़ा पहनाया,
नर बलि देने की तैयारी माँ की मूर्ति के सामने लाकर के बैठा दिया है। भील लोगों ने म्यान में से तलवार निकाली है, गर्दन पे तलवार रखी है, तलवार चलेगी गर्दन गिरेगी। लेकिन भद्रकाली माँ मन में विचार करने लगी, ऐसे भगवत भक्त जड़ भरत की अगर मैंने आज रक्षा नहीं की तो भगवान मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा, मुझे इसको बचाना है। लेकिन भील लोग तो मस्तक काटने को तैयार हो गए, जैसे ही तलवार निकाली और गर्दन पर रखी सज्जनों, और भील लोग तलवार चलाने वाले थे कि मूर्ति में से देवी प्रकट हुई, भील लोगों का उद्धार कर दिया, महात्मा जड़ भरत को बचा लिया। जड़ भरत जी मारी स्थिति करी और आगे रवाना हो गए। यावेणी सर्वभूतेषु मतिरूपेण संस्थिताय नमस्तस्यै 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 नमो नमो। मारी स्तुति करी और आगे रवाना हो गया। पर आश्चर्य, एक मिनट पहले जड़भरत जी के मस्तक को कोई काट रहा था तो मन में कोई दुख नहीं हुआ, मूर्ति में से प्रकट होकर के माँ ने बचा लिया तो मन में कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई। इसी का नाम है अवधूत वृत्ति। ना हर्ष है, ना शोक है, ना खुशी है, ना गम है, ना सुख है, ना दुख है, हमेशा एक जैसी परिस्थिति है। महापुरुषों से ये सीखने जैसा है, अवधूत संत होते हैं ना, उनसे ये सीखने जैसा है सज्जनों, कि हर परिस्थिति में एक जैसे कैसे रहें। अब बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है सज्जनों, बहुत ऊंचो स्टेज है। भारत रे संतों रे कने बैठ जाओ तो आज जरूर सीख जो कि परिस्थितियां तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी प्लस कभी माइनस होता रहता है, लेकिन फिर भी अपनी खुशी अपनी मस्ती वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। मेरा अपना जीवन, मेरा अपना आनंद जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये संत सीखता है, संत को आता है ये कला संत की है। लोग अरे जीवन में तो दुख थोड़ा सो आवे, लोग टूट जावे, क्या मैं तो बस बर्बाद हो गया, मारी तो जिंदगी गई। अरे कहीं बर्बाद हो गया, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा था। जिंदगी में दुखी होना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर हमेशा आनंद में रहना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। काय को शिकायत करना भाई, परेशानियां बहुत है तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर को शिकायत करना क्या, उदास होना क्या, मुंह क्या लटकाना, अगर परेशानियां बहुत है तो मेहरबानियां भी बहुत है। वारे प्रभु मैं जिंदा हूं तेरी कृपा से, अभी भी सांस तो चालू है, कम से कम हाथ तो बंद कोनी हुई, नहीं तो कई भरोसो आई बंद हो जाती तो कई कोनी जीवता हाँ जने तो और भी जिंदगी की बाजी जीत ले, आज तो और भी बहुत कुछ कर ले, ठीक है ये दिन भी निकल जाएंगे हमारे। ऐसे संत तो ये विचार का धनी होता है, इतनी एनर्जी अंदर रखता है वो, तभी तो वो जीता है, जी पाता है। हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटाओं से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, झंझटाओं से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले, और आंख गायरों से लगाना तो बच्चा बच्चा जानता है, आंख गायरों से लगाना तो बच्चा बच्चा जानता है, पर आंख खुद ही से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते जी जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, जीते जी जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले, और सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। यह है परमानंद की कला, यह है सुख और दुख से भी ऊंची स्टेज जिसमें आदमी अवधूत वृत्ति में पहुंच जाता है।
हमारे भारत की धरती इसीलिए तो महान धरती है सज्जनों, कि यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जीवन जिया ही नहीं ऐसा, दुनिया को जीवन जीना भी सिखाया अपने जैसा, और उनकी मंडली में उनके संपर्क में जो आया उसको भी ऐसा जीवन जीना उन्होंने सिखा दिया, सहज जीवन। बहुत लोग दुनिया में फैसिलिटी की जिंदगी जीते हैं परंतु फिर भी दुखी होते हैं, व्यंजन इतने मिल जाते हैं फिर भी दुखी होते हैं। लेकिन हमने देखा ये जिनकी अर्धनिर्वाण शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है ना सज्जनों, वो परमहंस परम महापुरुष दाता मारवाड़ रत्न श्री गुलाबदास जी महाराज, वे महापुरुष तो बिल्कुल सादा सिंपल भोजन करते थे और उसमें आनंद लेते थे। और संतों का आनंद कैसा, ये देखो अवधूतों का आनंद, भिक्षावृत्ति महाराज यानी गांव रे बारे तालाब री पाड़ माते बैठता। मेरे को तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ लेकिन मैंने जितना सुना है मैं आपको बता रहा हूं उनके बारे में, कि वे संत इतना सरल कि वे गांव रे बारे तालाब रे माथे बैठ जाता, भिक्षा ले रह जाता और बठे तालाब रे पाड़ माथे बैठ जाता, कठे कोई केड़ा नीचे खेजड़ी नीचे पेड़ रे नीचे बिराज जाता और बठे प्रसाद पाता, और कोई डिमांड नहीं। कई बार लोगों ने ठाई नहीं रहते कि महाराज आ रिया है, और बाप जी पहुंच जाता तो लोग कहता बाप जी तो भोजन प्रसादी। गुलाबदास जी बाप जी फरमाता कि भाई मारे वास्ते की अलग बनाने जरूरत काम नहीं है, कोई शीरा लापसी बनाने काम नहीं है, जको बनियोड़ो है वही लियाओ, वही प्रसाद पा लेता, बना हुआ है वही ठीक है। कणे कणे लोगों ने ठा पड़ जाते बाप जी आ रिया है तो लोग को व्यवस्था भी कर देता। अब कोई भाऊ खीर बना रही हो है, कोई लापसी बनाई है, तो कोई छाछ लेने आयो है, तो कोई है जो को गरम गरम राबड़ी बाप जी वास्ते ले आयो है, पर महापुरुष ने कभी जीवन का स्वाद, उन्होंने जीव का कभी स्वाद नहीं लिया। जब जो जीव के स्वाद में रह जाता है वो जीवन का स्वाद नहीं ले पाता सज्जनों, क्योंकि जीव रे स्वाद रे चक्कर में तो जिंदगी खराब हुए है। लेकिन उन्होंने जीव का स्वाद नहीं लिया, और उनको उनके पास में अगर व्यंजन आ जाता था, सामग्री बहुत सारी आ जाती थी, तो वे आप एक ही पात्र में भी पात्र में रावड़ी भी ले लेता और आगे हाथ आते खीर भी ले लेता और मिला के पी जाते थे और बोले यही तो आनंद है, यही तो असली स्वाद है। विचार करो आप। और सबसे बड़ी बात तो इतने भजनानंदी वो महापुरुष कि उनकी याद करते थे परम पूज्य विश्व विभूति त्याग मूर्ति पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, वे उनके बारे में पूछा करते थे कभी कभी आते थे तो, कि भाई गुलाबदास जी महाराज कैसे हैं, भक्ति राम जी की बात वो पूछते थे। तो वो बोलो महापुरुष कितना महान होगा सज्जन। और मैं आपको बताऊं कि पूज्य श्री महापुरुष गुलाबदास जी महाराज और उनकी जो शिष्य मंडली, उन शिष्य मंडली में भी जो तैयार हुए वो एक से एक बढ़कर के हीरे हुए। श्री जुक्ति राम जी महाराज, श्री भक्ति राम जी महाराज, श्री मूर्ति राम जी महाराज। मूर्ति राम जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त हुआ है। वो वृद्ध थे और मैं जाता, एक बार तो महाराज जी बहुत बीमार रहा तो बी टाइम मैं बहुत छोटो हो, लेकिन मूर्ति राम जी महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि मूर्ति राम जी महाराज से मिलने वास्ते जब मैं गयो तो उन टाइम वे कहता कि कृपा राम जी ने कहो कि मारे कान में प्रवचन होना वे, तो मेरी टूटी फूटी भाषा में मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए बोल देता था।